प्याज के दामाएं को लेकर भारत में महाभारत जारी है प्याज के बढ़ते दामों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 7 दिसंबर को भारत सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था इसके बाद प्याज के थोक भाव चालीस रुपये प्रति किलो से गिरकर दस रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनका नुकसान बढ़ गया है किसानों का कहना है कि वे पिछले दो साल आय से बेहद कम दाम में प्याज बेचने को मजबूर हैं अमूमन प्याज की औसत कीमत इन दो सालों में ₹15 किलो तक रही है जबकि प्याज की लागत प्रति किलो बीस से पच्चीस रुपये के बीच है वहीं प्याज किसानों का यह भी कहना है कि बेशक प्याज उत्पादन के मामले में भारत में पिछले कुछ दशकों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन प्याज की बर्बादी किसानों के लिए बड़ी